So this is our alpha rack cross cable. Cross cable is with 100 kg stack, and ये जो सेंटर में स्टैक हमने लगाए हैं दो, ये लेवर आर्म के लिए हैं। लेवर आर्म को हम स्टैक से कंट्रोल करेंगे, तो आप लेवर आर्म पे प्लेट्स भी लगा सकते हैं और स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं। ये पुल और पुश वर्कआउट में यूज़ होंगे। और ये आपका क्रॉस केबल का हैंडल आ गया, इसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये 100 kg स्टैक, सेम स्टैक पे आपके डंबल स्टोरेज, यहाँ पे मेडिसिन बॉल, केटलबेल स्टोरेज, बारबेल स्टोरेज और रेजिस्टेंस बैंड्स वगैरह जितनी आपकी एसेसरीज हैं वो यहाँ स्टोर हो जाएंगी। ये जो हमने हुक्स दिए हैं दो तरफ, ये TRX के हुक्स हैं। TRX वगैरह यहाँ लग सकता है, ये आपके स्पॉटर आर्म है, यहीं पे सेंटर में यूज़ होंगे। ठीक है, ये हमारी अल्फा ब्रांच है। इसी तरह ये आपका हाइट, इसकी ऊपर नीचे हो सकती है, एडजस्टेबल है। ये बॉल टारगेट है, ये फ़िलहाल ये 10 फीट की हाइट पे है, ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। ये हमारा बॉक्सिंग की अटैचमेंट है रैक के साथ। सेम इस तरफ यहाँ पे अगेन आपकी मेडिसिन बॉल एंड कैटलबेल स्टोरेजेस, प्लेट स्टोरेजेस, डंबल स्टोरेजेस, और ये सेंटर में आपके प्लेट स्टोरेजेस हैं। सिमिलरली सेकंड साइड ये हमारे जे हुक्स हैं, नियॉन ग्रीन कलर, लुक्स अमेजिंग। अल्फा बेंच हमारी इंक्लाइन डिक्लाइन स्ट्रेट, तो आप देख सकते हैं ये रैक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ और भी अटैचमेंट्स हैं जो कि हम एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो बना के उसको YouTube पे डालेंगे इंशाल्लाह, तब आपको बेहतर समझ आएगा। जितनी वर्कआउट्स इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं सारी आपको हम करके दिखाएंगे, YouTube पे अपलोड करेंगे। इसके अंदर तकरीबन आपका सारा जिम कवर हो गया है, आपके स्टोरेजेस भी सारे आ गए हैं। ठीक है, आपके क्रॉस केबल भी आ गई है, लैट पुल डाउन भी आ गई है, और रोइंग भी, इसको आप नीचे कर लें, रोइंग भी सीट लगा के कर सकते हैं। और इसके अंदर आपके लैंड माइन आ गई है, इसके अंदर आपके जंप बॉक्स भी है, बॉक्स जंप जो होती है वो भी हमने अटैचमेंट दी है, वो भी लगेगी। इसके अंदर रिवर्स कर्ल भी है, इसके अंदर हाइपर एक्सटेंशन, बैक हाइपर एक्सटेंशन भी है, जो कि ये पड़ी हुई है, ये भी अटैच होगी इसके साथ।